में नगर निगम व जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता देखने को मिल रही। भगवान श्री राम की नगरी में बैकुंठ धाम जहां शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है, वहां अव्यवस्था का शिकार है। इस कोरोना काल में जहां रात और दिन शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वहीं बैकुंठ धाम में ना ही कोई लाइट की व्यवस्था की गई है और ना ही सड़कों को सही किया गया। एक वीडियो बैकुंठ धाम का वायरल हुआ है, जिसमें रात्रिकालीन अंधेरे में कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लोग अंधेरे में शवों का अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार के साथ संवेदन नहीं दिखा रहा है। लोग मजबूर होकर कोरोना संक्रमित शवों को रात के अंधेरे में अयोध्या के बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार करने को मजबूर है। करतलिया बाबा आश्रम के महंत रामदास की मांग है कि अयोध्या नगर निगम और अयोध्या के जनप्रतिनिधि संवेदनशील बने और बैकुंठ धाम में जहां रात दिन मिलाकर 100 से ज़्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वहां पर लाइट की व्यवस्था करें और बैकुंठ धाम जाने के लिए मार्ग का निर्माण करें। अभी वर्तमान स्थिति में बैकुंठ धाम में अव्यवस्था फैली हुई है। नमस्कार साथियों, मैं महंत रामदास, करतलिया बाबा आश्रम, श्री अयोध्या धाम। कोविड काल में श्री अयोध्या जी शमशान घाट की बहुत ही बुरी स्थिति है। अयोध्या जनपद और आसपास के जनपदों से मिला के लगभग श्री अयोध्या धाम में 130 डेड बॉडी दाह संस्कार के लिए आते हैं। इसके वजह से रात दिन दाह संस्कार होता है। श्री अयोध्या धाम विश्व विख्यात है। अयोध्या के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी राजनीति की है। आज तक मैं राजनीतिक मुद्दा के बारे में नहीं कहता हूं, लेकिन आज तक बीजेपी ने शमशान घाट के लिए नहीं किया, लेकिन इस समय ऐसे समय में कम से कम वहां प्रकाश की व्यवस्था करा दे, जिससे कि और वहां पे आने जाने के लिए रास्ता टेम्परेरी कम से कम, जैसे जल जब जब सरयू जी का बढ़ता है तो आगे पीछे होता है, इसलिए अस्थाई शमशान घाट नहीं है तो टेम्परेरी ही सही। वहां पे रोड की व्यवस्था करा दे, जिससे गाड़ियां आने जाने में इतनी धूल उड़ती हैं, गड्ढे हैं, आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को मैं चेताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि कम से कम इस विकट परिस्थिति में ध्यान दें और प्रकाश और पानी और साफ सफाई की व्यवस्था कराएं। वहां पे लाश डेड बॉडी जब आती हैं, उनको चिताएं लगाना पड़ता है, तो वहां पे जो सफाई करता है वो 200 500 हजार रुपया लेने का काम करता है। कम से कम नगर निगम द्वारा जो है वहां सफाई की व्यवस्था कराई जाए और प्रकाश की व्यवस्था, थोड़ा रास्ते की व्यवस्था कराया जाए। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं आग्रह करता हूं कि यहाँ के शमशान घाट की स्थिति बदत से बदतर है, इसलिए यहाँ की स्थिति सही कराने की कृपा करें। जय श्री सीताराम जी। हनुमान जी महाराज, आप सभी को स्वस्थ रखें, आप सब अपने अपने घरों में रहें।